हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ग्रोइंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फ्लावर्स। एक फ्लावर से फूल वाले पौधों को उगाना तथा उनका रखरखाव कैसे करें। पिछले टाइम मैंने आपको एक वर्षीय फूल वाले पौधों के वर्गीकरण के बारे में, हर्बेसियस बारर इत्यादि के बारे में बताया था। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ग्रोइंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल फ्लावर। रेजिंग आम नर्सरी, पौधशाला तैयार करना। सीड्स ऑफ एनिमल्स आर स्मॉल, सोन इन कंट्रोल स्पेस फॉर बेटर हैंडलिंग। बिकॉज द जो एक वर्षीय फूल वाले पौधे होते हैं, उनके बीज जो है बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें कंट्रोल स्पेस, जिनकी रखरखाव, ऐसे स्थान जिनका आसानी से रखरखाव देखभाल की जाए, ऐसे स्थान पर उनको नर्सरी बनाना चाहिए जिससे उसकी देखभाल अच्छे से की जा सके। सीड्स में भी सोन इन पार्ट्स बॉक्सेज एंड ऑन रेज नर्सरी बेड्स डिपेंडिंग अपॉन क्वांटिटी ऑफ सीड्स टू बी सोन। सीड कितनी मात्रा में आपको बोना है, इसके लिए यह डिसाइड करना चाहिए कि इसको पार्ट्स में, गमलों में उगाएं या बॉक्सेज में या रेज नर्सरी में। अगर ज़्यादा सीड है तो निश्चित रूप से आपको नर्सरी में बोना पड़ेगा ज़मीन में, और अगर उससे कम है तो बेड बॉक्स में, किसी बॉक्स में बो सकते हैं, और अगर एक दो बीज बोना है तो आप गमले में आसानी से उगा सकते हैं। नर्सरी बेड्स शुड बी मेड 10 to 15 सेंटीमीटर एबव द ग्राउंड। नर्सरी बेड हमेशा ज़मीन से 10 से 15 मीटर ऊंचाई पर बनाना चाहिए टू फैसिलिटेट द टू अवॉइड द स्टैंडिंग ऑफ वाटर और प्रिवेंट द स्टैंडिंग ऑफ वाटर, जिससे जल भराव वगैरह ना हो। नर्सरी की चौड़ाई 1 मीटर रखनी चाहिए। द डेप्थ ऑफ द नर्सरी शुड बी केप्ट 1 मीटर टू फैसिलिटेट वीडिंग, वाटरिंग एंड थिनिंग, जिससे आप आसानी से खरपतवार हटा सकें, पानी दे सकें उसको तथा थिनिंग कर सकें। यहाँ एक शब्द है थिनिंग, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि थिनिंग क्या है। बिकॉज टर्मिनोलॉजी इज़ द बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द लिटरेचर। शब्द को बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए थिनिंग क्या है। रिमूवल ऑफ एक्सेस प्लांट फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज थिनिंग। जब आप छोटे बीज बोते हैं, निश्चित रूप से अधिक मात्रा में पौधे उगाते हैं, तो उसमें प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बीज से पौधे निकाल जाते हैं, तो इस क्रिया को हम थिनिंग कहते हैं। लेंथ ऑफ बेड शुड बी 2 to 3 meters। नर्सरी बेड की लंबाई 2 to 3 meters रखनी चाहिए। सॉइल प्रिपेयर बाय इनकॉर्पोरेटिंग वेल रॉटन FIM। भूमि को 10 to 15 kg फार्म यार्ड मैनोर सड़ी हुई, अच्छी प्रकार से सड़ी हुई पर स्क्वायर मीटर मिला लेना चाहिए। नाउ सीड्स आर सोन इन लाइन्स। सीड्स हमेशा लाइन में सोन करना चाहिए, इससे क्या होता है अबाउट 5 to 6 centimeters अपार्ट। बीज को 5 to 6 meters की दूरी पे, लाइन से लाइन दूरी पे बोना चाहिए। एंड डेप्थ ऑफ सोइंग शुड बी 0.5 centimeters, और जो बीज बोने की गहराई उसे 0.5 centimeters रखना चाहिए। वाटरिंग ट्वाइस और थ्राइस ए डे, एक दिन में 2 या 3 बार उसकी सिंचाई हजारे वगैरह से करनी चाहिए, जिससे ज़्यादा पानी ना उसमें पड़ पाए। टू अवॉइड रॉटिंग, जिससे उसमें सड़न वगैरह ना हो। बेड्स शुड बी कवर्ड बाई न्यूज़ पेपर और लाइट क्लाथ। नर्सरी बेड के जो सीड्स सोइंग की जाए, उनको अखबार अथवा हल्के कपड़े से ढक देना चाहिए टू इंश्योर डार्कनेस, जिससे वहाँ पे डार्कनेस हो जाए, अंधेरा रहे, एंड टू प्रिवेंट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, और धूप से उनसे डायरेक्ट सूर्य की रोशनी से बचा सके। टू इंश्योर बेटर जर्मिनेशन, जिससे अच्छा जर्मिनेशन सीड का हो सके। जर्मिनेशन टेक्स प्लेस विद इन 2 to 3 days, और बीज का जमा 2 to 3 दिन में आसानी से हो जाता है। एंड देन कवरिंग रिमूव्ड, तब कवरिंग को हटा देना चाहिए। एट दिस टाइम सीडलिंग हैव 3 to 4 leaves। इस समय पे जो पौध होती है, इनमें 3 से 4
पत्तियाँ निकल आती हैं एंड द कवरिंग शुड बी रिमूव्ड। सीड कब सो किया जाए नर्सरी में, इसके बारे में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स फ्लावर्स एक वर्षीय फूलों के वर्गीकरण में पहले बता चुका हूँ। प्रिपरेशन ऑफ लैंड एंड ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग्स भूमि की तैयारी तथा पौधरोपण। बिफोर लेइंग आउट द प्लान योजना बनाने के पहले पौधरोपण करने के पहले लैंड विल प्रिपेयर बाई डिगिंग और प्लाउिंग भूमि को खुदाई अथवा जुताई करके एंड मिक्सिंग 5 kg FYM तथा 5 kg FYM 10 kg NP2O5 तथा KTO पोटेशियम पर स्क्वायर मीटर मिला देना चाहिए। बिफोर ट्रांसप्लांटिंग लाइट इरिगेशन हेल्प्स इन बेटर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीडलिंग। पौधरोपण करने के पहले हल्की सिंचाई कर देना चाहिए जो कि सीडलिंग के इस्टेब्लिश होने में अच्छा प्रभावशाली होगी। ट्रांसप्लांटिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग शुड बी डन इन इवनिंग, इट ऑल्सो हेल्प्स इन बेटर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सीडलिंग्स इन द फील्ड। प्लांटिंग डिस्टेंस शुड बी द टॉल एनुअल फ्लावर्स शुड बी प्लांटेड एट 30 to 40 cm डिस्टेंस एंड मीडियम शुड बी प्लांटेड विद इन द रो इन द 15 to 20 cm डिस्टेंस एंड ड्वार्फ एनुअल्स आर प्लांटेड इन द रो within 10 to 12 cm distance. Watering immediately after transplanting. After transplanting you should have done watering just after the transplanting is also helps in proper better establishment of the seedlings in the transplanting field. Management of the annuals. एक वर्षीय पौधों का रखरखाव, because the annuals are quite tender, require quite an attention throughout their life. आज जैसे कि आप जानते हैं एक वर्षीय फूल वाले पौधे बहुत ही मुलायम होते हैं जो कि बहुत ही सावधानी चाहते हैं अपनी पूरी लाइफ में। अगर उनकी देखरेख अच्छी तरह से नहीं किया जाएगा दे विल नॉट सर्वाइव, वो जीवित नहीं रह पाएंगे। रेगुलर वीडिंग एंड होइंग इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट सीडलिंग टू हेल्दी प्लांट्स। जब आप पौधरोपण करते हैं तो उनका नियमित खरपतवार तथा गुलाई निराई गुलाई करना चाहिए जिससे जो हमारे पौध हैं वो अच्छे पौधों में उनका विकास हो सके। वाटरिंग रिक्वायरमेंट एंड डिपेंड ऑन सीजन। वाटरिंग इरिगेशन कितनी की जाए यह सीजन पे डिपेंड करता है तथा ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ सॉइल। इन रेनी सीजन less water or irrigation will be required because there is rain. Whenever on the basis of requirement and rain the number of irrigation or whenever there is a requirement irrigation should be done. In winter season there is low temperature so there will be less water requirement and in summer there is high temperature so number of irrigation will be more and in light soil frequent irrigation will be required than in heavy soil. जो हल्की भूमि है उसमें जल्दी जल्दी सिंचाई की आवश्यकता होती है जबकि भोरी भूमि में number of irrigation will be more. Seed collection and storage, बीज एकत्र करना तथा उनका संग्रह करना। This is the most important aspect of growing annuals and it needs scientific knowledge and specific care. यह बहुत ही महत्वपूर्ण एनिमल्स ग्रो करने का एक वर्षीय फूल उगाने में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है बीज एकत्र करना तथा उनका संग्रह करना और इसके लिए कुछ वैज्ञानिक तथा विशेष सावधानी की आवश्यकता रहती है। और इसके एकत्र करने में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यह जानना आवश्यक है कि हमारी फसल जो है जो हम एनुअल उगा रहे हैं whether it is self to partial or cross pollinated because
कुछ एनुअल्स एक वर्षीय फूल वाले पौधे स्वयं परागित होते हैं और कुछ में थोड़ा बहुत क्रॉस पोलिनेशन होता है, तो दे आर सेल्फ पोलिनेटेड, बस समटाइम्स देर टेक्स प्लेस क्रॉस पोलिनेशन आल्सो। सेल्फ पोलिनेशन आर टोटली क्रॉस पोलिनेटेड। सेल्फ पोलिनेटेड एनुअल्स डू नॉट रिक्वायर एनी आइसोलेशन डिस्टेंस। जो हमारे स्वयं परागित एनुअल्स हैं, एक वर्षीय फूल वाले पौधे हैं, जैसे ल्यूपिन्स है, स्वीट पी है एंड सालविया, दीज आर नॉट रिक्वायर एनी आइसोलेशन डिस्टेंस बिकॉज दे आर सेल्फ पोलिनेटेड। और इसमें सेल्फ पोलिनेटेड होने के बाद किसी प्रकार से क्रॉसिंग ओवर की संभावना नहीं रहती कि एक दूसरे से ये मिक्सिंग की कोई संभावना रहती। यहाँ एक शब्द आया दोस्तों आइसोलेशन डिस्टेंस, मैं आपको बता दूँ आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होती है। इसको हिंदी में पृथक्करण दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में आइसोलेशन डिस्टेंस को? आइसोलेशन डिस्टेंस इज नोन एज पृथक्करण दूरी। इसमें जब आप सपोज करिए एक फसल आपकी यहाँ लगी है तो दूसरी फसल कितनी दूरी पे लगाएं ताकि एक दूसरे से इसमें क्रॉस पोलिनेशन ना हो सके, इस दूरी को बनाए रखने को हम क्या कहते हैं? पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं। अगर आप यहाँ एक क्रॉप बो रहे हैं तो उसके जस्ट बगल में कितनी दूर पे बोएं जिससे उनमें एक दूसरे में इसके एंथर जो हैं इसके स्टिग्मा पर ना गिरें या इसके एंथर स्टिग्मा और ये टोटली प्योर रहें, बिकॉज अगर ये मिक्सिंग हो जाएगी तो विल बी बिकम मिक्सचर, मिलवा सीड हो जाएंगे। तो इसको बचाने के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है या पृथक्करण दूरी जिसे कहते हैं। सेल्फ टू पार्शियल क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप, अगर वो सेल्फ टू पार्शियल क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है तो उसमें 50 से 100 मीटर की दूरी रखना आवश्यक है प्योर सीड पैदा करने के लिए। जैसे इंटीराइनम है, लाक स्पर है, लिनेर एरिया है, फ्लाक्स है, पैंसी है एंड द रेस्ट ऑफ सीड्स अदर देन दीज सेल्फ एंड सेल्फ टू ऑफन सेल्फ टू पार्शियल क्रॉस पोलिनेटेड एनुअल्स अदर आर एनुअल्स आर बिलोंग टू क्रॉस पोलिनेटेड कैटेगरी एंड दीज द आइसोलेशन शुड बी क्रिप्ट मोर देन 400 मीटर। इस तरह की श्रेणी के जो हमारे एक वर्षीय फूल वाले पौधे हैं जो टोटली क्रॉस पोलिनेटेड, इसमें 400 मीटर से अधिक की पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस रखनी चाहिए। जैसे बालसम है, जीनिया है, सनफ्लावर है, स्वीट एलाइसम है, कैलेंडुला डहलिया, कैनीडाफ्ट, वर्बीना, कॉक्सकॉम, पोर्चुलेका, मेरीगोल्ड, हेलिक्राइसम आदि। इस तरह के जो एक वर्षीय फूल वाले पौधे हैं इनमें 400 मीटर की दूरी रखनी चाहिए जिससे हमारा जो बीज उत्पादन हो वो प्योर हो, क्योंकि अगर बीज उत्पादन प्योर होगा तो हमें बीज निश्चित रूप से हमारा बीज अच्छे रेट पे बिकेगा और जो प्योरिटी है वो फूल की मेंटेन रहेगी। हेलो।